गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गोविंद धाकरे। वेलकम टू माई चैनल गोविंद इंग्लिश क्लासेस। प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट ऑल द नोटिफिकेशन टू माई वीडियोज। गाइज आज बात करेंगे हम होमोनिम और होमोफोन। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बेसिक डिफरेंस आपको याद रखने हैं जैसे मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड पर। होमोनिम होता है, दो वर्ड्स होंगे उनका समान उच्चारण होगा, समान स्पेलिंग होगी, अर्थ लेकिन अलग होगा, उसे बोलेंगे हम होमोनिम। जैसे कैन, कैन का मतलब क्या होता है, सकता या सकती। और दूसरा कैन होता है, उसका मतलब क्या होता है, कंटेनर। जैसे पेप्सी की कैन होती है, बियर की कैन होती है, उसे भी कैन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का अर्थ अलग हो गया लेकिन स्पेलिंग दोनों की एक सी है और प्रोनाउंसिएशन भी एक सा है, ये ध्यान रखना है। ये होता है हमारा होमोनिम। होमोफोन क्या होता है, समान उच्चारण होगा दो वर्ड्स का, स्पेलिंग दोनों वर्ड्स की अलग होगी, अर्थ भी दोनों वर्ड्स का अलग होगा। जैसे सम, एस ओ एम ई, सम, और एस यू एम, उच्चारण एक है, स्पेलिंग दोनों की अलग है, ठीक है, और अर्थ भी दोनों का अलग है। और भी जैसे वर्ड्स हैं, जैसे कम है सी ओ एम ई, और सी यू एम, सी ओ एम ई का मतलब होता है कम का आना, और सी यू एम ई मतलब के साथ, प्रीपोजिशन का काम करता है। तो ये ध्यान रखना है, होमोनिम में क्या होता है, समान उच्चारण होता है, समान स्पेलिंग होती है, अर्थ अलग होता है। होमोफोन में क्या होता है, समान उच्चारण होगा, स्पेलिंग अलग होगी, अर्थ अलग होगा, बस इतना ध्यान रखना है। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल प्लीज़ गाइज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।